Hi friends. Hi. So welcome back to our channel and welcome to our new vlog. हम एक्चुअली थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, काफी लेट हो गया एक्चुअली, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग पुणे शिफ्ट हुए और पुणे का वेदर चेंज हुआ, पानी चेंज हुआ, इसलिए मेरा भी तबीयत थोड़ा खराब हुआ और मिसेस कुलराय का भी तबीयत खराब हुआ और ऊपर से हमें घर भी सेट करना था, मतलब पूरा घर सेट करना था हमें वहां से यहाँ, तो इसलिए हम नहीं कंटिन्यू अपलोड कर पाए थे ब्लॉग, पर अब से आएगा आपको कंटिन्यू ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो आज का ये हमारा नया व्लॉग एक्चुअली फेट पैरेंट के ऊपर है, जो स्ट्रगल्स हो, मतलब जैसे कि आपको पता है कि हमारे दो बच्चे हैं और हम प्राउड पेट पैरेंट, सबको पता हमेशा बोलते हैं। तो एज अ पेट पैरेंट हम लोगों का क्या स्ट्रगल रहता है, क्या चैलेंजेस रहता है, एवरी डे क्या, एवरी मंथ क्या, एवरी ईयर क्या, तो वो सारे स्ट्रगल हम लोग शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। बेसिकली हम क्या क्या फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग एज अ पेट पैरेंट, तो वो हम आपके साथ शेयर करें। जी, तो हमारा तो डबल है क्योंकि हमारे पास दो पेट है इसलिए। और ये सब हेल्प उन लोगों के लिए भी होगा जो लोग सोच रहे हो पेट लाने के लिए। हाँ। और वो जल्दबाजी मत लाओ पेट। हाँ, तो मतलब जो ऑलरेडी पेट पैरेंट है वो लोग रिलेट कर सकते हैं हमारे जो स्ट्रगल के साथ, हमारे चैलेंजेस के साथ, और जो पेट लाना चाहते हैं वो भी ये सारी चीजें जान ले एक पेट लाने से पहले। ओके, तो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्ट्रगल जो है, पहला चैलेंज जो है, जो हमने अभी रिसेंटली फेस किया है, वो है नया घर ढूंढना। तो जैसे कि मेरा ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मुझे अलग अलग जगह जहाँ पे मतलब नया नया घर रेंट पे लेना पड़ता है एक्चुअली। तो अभी जो मैंने फेस किया है, ठीक है, तो मैक्सिमम मैं आपको ट्रूली और ऑनेस्टली बताऊंगा, वीडियो में मैंने 5 घर दिखाया आपको कि मैं 5 घर जाके देख रहा हूँ, बट मैंने सर्च किया था ओवरऑल 20 हाउस ओनर्स के साथ मैंने कॉन्टेक्ट किया था घर के लिए, और उनमें से 15 डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं, आपके पास पेट है, हम अलाउ नहीं करेंगे। एक्चुअली वो उनकी जगह पे भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने नया घर लिया है, उन्होंने अपना घर लिया है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका घर डर्टी हो, उनका घर का जो दीवारें हैं वो स्क्रैचेस से भरा हुआ हो, जो कि होता है बेसिकली। हाँ, जो नॉर्मली होता है, तो वो नहीं चाहेंगे। तो यही एक पहला स्ट्रगल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप एक नया घर ढूंढ रहे हैं और आप पेट के साथ हैं, तो ये चैलेंज आपको आएगा ही आएगा। डेफिनेटली। हाँ, 90% ओनर जो है वो मना करेंगे आपको कि नहीं, आप घर नहीं ले सकते, क्योंकि उनका भी तो वो स्पेशली वो डोर्स वगैरह होते हैं, जैसे सिद्धांत ने बोला वो स्क्रैचेस वगैरह वो लोग कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मैं ये डिनाई नहीं करूंगी, ये होता है। हाँ, तो ये स्ट्रगल जो है ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये कोई मतलब अनकॉमन नहीं है, ये कॉमन है, तो इसलिए। तो ये पहला स्ट्रगल है हमारी तरफ से जो हमने फेस किया है अभी रिसेंटली। तो अभी जो हमारे ओनर है वो बहुत मतलब फ्रेंडली है, अच्छा ओनर है, और वो भी एक डॉग लवर है, तो इसलिए हमको अलाउ किया। तो ओवरऑल वी आर हैप्पी नाउ विद द न्यू हाउस, विद द न्यू होम। एंड द सेकंड स्ट्रगल ये होता है कि लोग जज करने लगते हैं आपको, बेसिकली आप जब पेट्स को घुमाने लेके जाते हो, तो हम लोग ऐसे सुने भी है कि ये लोग शो ऑफ कर रहे हैं डॉग्स लेके। नहीं, ये शो ऑफ बिल्कुल नहीं है, ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये प्यार है और ये लोग चाहते हैं घूमने के लिए, तो खुद ही अपने बारे में सोचिए, आप अगर एक ही घर में 24 घंटा पड़ के रहेंगे तो आपको कैसा लगेगा। द सेम गोज फॉर दीज एनिमल्स एज वेल, ठीक है, इनको भी घूमना चाहिए, इनको भी बाहर का एटमोस्फेयर एंजॉय करना पड़ेगा इनको। और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है अभी, अगर लोग कुछ बोल रहे हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले आता था ये सब की ओ माय गॉड लोग क्या बोल रहे हैं, अब नहीं हो रहा है। एंड सेकेंड इज कि अगर आप अपने पेट को थोड़ा कड़ी कर दो, जैसे मैं डुगू का एग्जाम्पल दूंगी, डुगू को अगर आप इसे कड़ी कर दो ना, वो इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, आपको चाटने लगता है यहाँ, तो लोगों का होता है कि यू आप कैसे इसका हैंडल करते हो। एक्सक्यूज मी, अगर आपका बच्चा होता है वो आपको ऐसे कड़ी करता, किसेस करता, तो आप ये कहते कि यू नहीं ना, तो जैसे आपके लिए आपके बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हमें कुछ, हम नहीं बोल रहे कि आप आके वो सब करो, पर ये हमें पसंद है, आप जज नहीं कर
अस्तित्व ना ऐसे लोगों को, जैसे आपके लिए आपके बच्चे इम्पोर्टेंट है, आपके exactly. बच्चे आपके बच्चे आपके लिए मतलब आपको खुशी देते हैं, वैसे ही ये हमारे बच्चे हैं yes. हमको खुशी देते हैं ये हाँ. जब वो एक्साइटेड होके मतलब वेलकम करते हैं, मैं कहीं बाहर ऑफिस जाता हूँ और 7 घंटे 8 घंटे बाद में वापस आता हूँ और वो एक्साइटेड होते हैं, मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, मुझे किस वगैरह करते हैं, जो उनका चाहना है वो बेसिकली उनका प्यार रहता है, तो वो अच्छा लगता है उनको एज अ पेट पेरेंट, एज अ पेरेंट और स्पेशल जब वो हमें मॉर्निंग में से किस करके उठाते हैं, ये सब आप लोग नहीं समझोगे तो जज मत करो। मेरी आपको ये पसंद नहीं होगा, हमें ये पसंद है, तो इसलिए आप ठीक अब ठीक है, आप अपने तरीके के हिसाब से आप जज करते हैं, बट हमारी पसंद है ये सब और हम खुश हैं इसमें जी। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं अपना थर्ड स्ट्रगल और चैलेंज के ऊपर। तो थर्ड स्ट्रगल और चैलेंज भी हमने रिसेंटली एक पोस्ट किया था हमारा ट्रैवलिंग के ऊपर, तो थर्ड स्ट्रगल हमारा ट्रैवलिंग विद पेट्स के ऊपर है। ट्रैवलिंग के ऊपर आए तो हमारा अभी हमारे साथ पेट्स है, तो फ्लाइट की तो मैं बात भी नहीं करूंगी, फ्लाइट तो माइनस ही है हमारा अभी, तो माइनस हो गया, तो अभी हमारे पास ओनली ट्रेन ही बचा है और ट्रेन के लिए उतना एक उनका एक अलग सा प्रोसेस है जो कि हमको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट वाले वीडियो में, तो अभी उनका वही प्रोसेस रहेगा, तो हमारा ट्रैवलिंग अभी वही हो जाएगा। अब ट्रबल की बात करें तो ट्रबल ये है कि आप अगर कहीं जा रहे हो ट्रेन में तो आपका 2 दिन गया, फिर आप एंजॉय जहाँ पे करोगे वो होटल आपको अलाउ करेगा नहीं करेगा वो क्वेश्चन है, फिर आप अगर कहीं पे हिल्स वगैरह में जा रहे हो वहां पे पेट अलाउ है नहीं है वो एक प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम हम फेस करते हैं जो कि पिछले भी मतलब बहुत टाइम पे की है अभी हम कर रहे हैं। जैसे कि मिसेस कुलर ने बोला कि हमको कहीं जाना रहता है तो हम होटल्स भी उसी टाइप के सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे पेट्स अलाउड हो, और कहीं पे जा रहे हैं जो वो जगह भी पेट्स अलाउड हो वैसे ही ढूंढ रहे हैं। और एक मतलब हम दोनों अगर कहीं जा रहे हैं तो हम इतना रिसर्च नहीं करते, चलो होटल बुक कर दिया, फ्लाइट टिकट कर दिया, हो गया। पर अगर इन्हें लेके जा रहे हो तो आपको 5 दिन पहले रिसर्च करना पड़ेगा, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं जी, तो इनके लिए हाँ ट्रैवलिंग के लिए आपको रिसर्च तो लगेगा, आप उठ के ऑन द फ्लाई प्लान बना के कहीं नहीं जा सकते, वो एक है आपका। तो ये जो फोर्थ नंबर वाला स्ट्रगल है तो वो बेसिकली ये है कि आपका घर कभी आप एक्सपेक्टेशन मत रखना कि एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा, परफेक्टली ये जगह वहां पे वो चीज वो जगह पे नहीं रहता है। मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, दूसरों के बारे में नहीं बोलूंगी, पर मेरे घर में हाउसेस है, वो लोग जो बातें काम करने के लिए मैं उन्हें बोल देती हूँ कि मेरे घर पे पेट्स है तो हमारा घर ज्यादा हमें क्लीन चाहिए, 2 टाइम्स आते हैं वो क्लीन करने के लिए, फिर भी सिद्धांत को या मुझे हम दोनों को फिर से क्लीन करना पड़ता है। अभी आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपका जीजे सारा जगह पे ठीक ठाक हो, नहीं रहता है। आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि आपका घर क्लीन रहेगा yes. और ये एक्सपेक्टेशन आप दूसरों को भी दिलाना कि हमारा घर क्लीन नहीं रहेगा। हाँ, मैं तो मैं सबको बोल भी देती हूँ कि तो जो हेयर्स जो शेड होते हैं, जो उनका जो हेयर्स जो शेड होते हैं और जो डोर मैट वो लोग खींच लेते हैं और जो प्लास्टिक की जो चीज है वो मतलब चबाते रहते हैं, खेलते रहते हैं उसके साथ, तो ये कभी भी एक्सपेक्ट मत रखना कि आपका घर क्लीन होगा। पेट पाइप जो है वो अभी रिलेट कर रहे होंगे और जो जो पेट जो नया जो लेने का सोच रहे हैं, जो नया जो पेट लेने का सोच रहे हैं, वो प्लीज ये दिमाग में रख ले कि आपका घर कभी भी क्लीन नहीं होगा। और आप एक्सपेक्टेशन भी मत रखिए कि अगर मैं किसी के घर जा रही हूँ उसके घर पे पेट है तो उसका घर नीट एंड क्लीन नहीं रह सकता, आप कुछ भी कर दो नहीं होगा। ये ऐसा नहीं कि हम ट्राई नहीं करते, हम ट्राई करते हैं, हम दोनों ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेली ट्राई करती हूँ, ये इंसान भी ऑफिस से आके ट्राई करने लग जाता है कि ये सही जगह पे रख दो वो जगह पे रख दो, पर नहीं होता है। हाँ, हम क्लीन करने का 100% ट्राई करते हैं बट वो नहीं रहेगा, तो हमने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो पांचवा जो स्ट्रगल है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो जो गेस्ट लोगों के साथ जो हमारा जो ट्रबल माना जाता है, तो बेसिकली हमारे दोस्त तो हैं, मतलब मेरे भी दोस्त हैं, मिसेस कुलर के भी दोस्त हैं, तो सिर्फ दोस्त ही नहीं हमारे रिलेटिव्स भी हैं, कलीग्स भी हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं। तो, मैं ये भी पॉइंट मेंशन करूंगी कि सिर्फ फैमिली को छोड़ के बाकी सब, मतलब सिर्फ फैमिली पापा मम्मी बाबा माँ जो लोग हैं उन्हें छोड़ के बाकी सबके साथ हमें प्रॉब्लम होती है, ये सच है। क्योंकि हम किसी को बुलाते हैं घर पे कि आओ आज डिनर के लिए घर पे आओ, आओ आज ये वीकेंड पे ये टाइम स्पेंड करते हैं, वीकेंड पे डिनर के लिए आओ करके, तो वो मतलब उनको पता चलता है ना, मतलब बाद में मतलब हम ही पहले उनको अवेयर कर देते हैं कि हमारे पास पेट है, तो
कोई मतलब कोई कोई आने से मना कर देता है। हाँ उनका ऐसा रहता है कि आपके घर में कुत्ता है, आप उसे पहले बांध दो, आप उसे ब्लॉक मतलब ब्लॉक कर दो किसी रूम में, हम नहीं कर सकते। मतलब दो तरीके के हैं, मतलब सॉरी तीन तरीके के। एक तो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पेट के साथ वो आ जाते हैं, उनको मतलब वो भी पेट लवर रहता है तो वो आ जाते हैं हमारे पेट के साथ खेलने, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। फर्स्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ तो जो डायरेक्टली मना कर देता है क्यों कि आपके घर पे पेट है हम नहीं जाएंगे, हमको बहुत डर लगता है पेट से। तो एज यूजुअल मैं वही बताऊंगा कि ठीक है आपको डर लगता है ना, बट हम कॉन्फिडेंट है हमारे पेट के साथ कि वो आपके साथ कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो खाली सूंघेगा आपको थोड़ा, जैसे कि सारे डॉग्स का नेचर रहता है वो सूंघ के आपका नेचर चेक करते हैं कि ये बंदा कैसा है, ये बंदी कैसी है, इजी फ्रेंडली और नॉट, इजी फ्रेंडली और नॉट। तो अगर उनको पता चलता है कि ये फ्रेंडली है तो वो खेलना चाहते हैं, वो किसी को काटेंगे नहीं। आप अगर डॉग्स के ऊपर रिसर्च करोगे ना तो कुछ कुछ डॉग्स हैं, कुछ कुछ डॉग्स हैं जो एग्रेसिव रहते हैं, बट हमारे डॉग्स नहीं है तो आपको उन्हें ट्रेन करना पड़ता है। एक्जेक्टली, आपको ट्रेन करना पड़ेगा, ये ट्रेन पेट है तो आप थोड़ा मतलब नहीं वो काटेगा हम नहीं जाएंगे ये बोलने से पहले ना एक बार रिसर्च कर लो कि कौन सा ब्रीड कैसा है, आपके पास ब्रीड कौन सा है, वो ट्रेन है क्या, ये पूछ लो एक बार। और एक बात भी मैं बोलूंगी, अगर आप आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो आपका डर कैसे जाए? Exactly. आप अगर देखोगे नहीं, मिलोगे नहीं, खेलोगे नहीं, तो आप कैसे जज कर लोगे कि नहीं ये काटेगा हमको? ये गलत बात है ना। और दूसरा जो है मैं बताना चाहता हूँ, जो तीन में से जो दूसरा जो है वो मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो आते तो हैं, मतलब वो बोलते हैं मेरे को, हम स्कूल में वो बोलते हैं कि हाँ हम आएंगे, बट आपके पेट को जो है वो दूसरे कमरे में बंद रखना नहीं कर सकते ना। हम नहीं रखेंगे मतलब We will prefer कि you don't come, but yes. हम उनको बांध के नहीं रखेंगे क्योंकि ये घर उनका है, आप गेस्ट हैं, ये घर उनका है। तो आपको अगर आप ही के घर पे रूम में बंद करके रखेंगे आपको कैसा लगेगा मुझे बताइए? आपको छोड़िए, आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपके बच्चों को हम आप बंद कर सकते हो घर पे? हाँ, हाँ। तो ये हम नहीं कर सकते, तो ये एक चीज जो है मैं डिनाई नहीं करूंगा और ये हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि हम उनको आपको प्राइवेसी नहीं मिले, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैसे। आप एक ही करोगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, हमने लास्ट को रखा है। वैसे आप यकीन नहीं करोगे, कभी कभी हमारे मूड खराब हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग भी चाहते थोड़ा अलोन स्पेस, हमारा स्पेस नहीं होता है। अभी तक तो एक साल में मुझे नहीं मिला है क्योंकि मेरे पीछे पीछे कोई ना कोई चलता रहता है, मतलब मैं ऐसे आगे की चलती हूँ और डुबू या मेरी कोई भी चलते रहते हैं। फर्स्ट, सेकेंडली आपका वीकेंड है, आप चाहोगे थोड़ा लेट तक हम सोएंगे, थोड़ा नहीं हो सकता वो आपका। एग्जैक्ट 6 to 7 PM सॉरी वो आके आपको उठा देंगे, चाट चाट के वाला जबरदस्ती वाला वो लोग आपको उठाते हैं। और थर्ड इज की मतलब आप एक बेड पे सो रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट कर नहीं कर रहे कि आप हस्बैंड वाइफ को आराम से कर करके सो सकते, नहीं हो सकता आपका, ये हमारे साथ तो नहीं हो पा रहा है। मिट्टी डुबुल दोनों हमारे साथ बेड पे सोते हैं, तो नो प्रिवेसी। खाने के टाइम पे भी हम तो हाँ। खा रहे हैं, ये दोनों आंख लगा के बैठे होने की हमें भी गिले रख रहे हैं, दुखी वाला फेस आपको लगता है, दे दू पर नहीं दे सकते। हाँ, और देना भी मत, उनका फूड अलग रहता है। आई हैव टू वार्न यू ऑल, जो पेट पैरेंट है उनको पता होगा, बट जो पेट पैरेंट नहीं है और पेट लेना चाहते हैं कि उनका फूड आइटम्स और प्रिपरेशन एकदम अलग रहता है। आप प्लीज डॉक्टर से जाके, मैं नाम नहीं लूंगी पर हाँ मैंने ऐसे देखा है कि कुछ भी वो लोग जैसे हम दाल चावल चिकन मटन खाते हैं, करी बना के लोग वैसे दे देते हैं, पर ये बहुत रॉन्ग है। आप अगर पेट ले रहे हो, पहली बात तो आप खुद गूगल करो, क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस बोलूंगी, मैं सब कुछ गूगल से ही पता की हूँ कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। हाँ, डॉक्टर से तो हमने पहले कंसल्ट किया था बाद में, पर पहले मैंने सारा गूगल से किया था कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। आजकल तो सबके पास है। और प्राइवेसी के बारे में अगर बात करें तो मिसेस कोलर खाना भी बना रही होगी तो वो जाके वहाँ पे खड़े रह जाते हैं, वीडियोस में लोग देखे होंगे। वही तो मतलब ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जहाँ पे हम दोनों अकेले होंगे, ये आप देख रहे हो क्योंकि उनका मतलब खाना हो गया है और वो लोग सोना चाहते हैं, और ये हम लेट नाइट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए वो लोग सो गए हैं, बस सो गए हैं इसलिए। नहीं तो हम दोनों कभी भी ऐसा मतलब अकेले नहीं रह सकते। ये सब एक बात बोलूं कि हमने ये सब स्ट्रगल बता दिया, प्लस पॉइंट भी बताओ। प्लस पॉइंट तो यही है कि आप एकदम खुश रहेंगे और ये हम प्राउडली बोल सकते हैं, एज अ पेट पेरेंट वी आर ऑलवेज हैप्पी, वी आर ऑलवेज टुगेदर,
वी आर ऑलवेज स्ट्रेस फ्री, ये आपको मिलेगा पक्का। तो ये सारा जो हमने बताया, तो ये जो स्ट्रगल जो है आप, वो स्ट्रगल एक्चुअली आपके लिए है, हमारे लिए स्ट्रगल, बट हमारे लिए वो मजेदार स्ट्रगल है और हम एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, एंजॉय भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं और खुशी खुशी एक्सेप्ट भी करते हैं ये सारा स्ट्रगल। हमें कोई टेंशन नहीं है ये सारे स्ट्रगल उठाने में। वी आर अगेन आई एम सेइंग दैट वी आर प्राउड पेट पेरेंट एंड विल ऑलवेज बी। यस, लास्टली जाने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों की तरफ एक अवेयरनेस आए कि पेट रखना भी क्राइम नहीं है और पेट्स के साथ घुलना मिलने के लिए भी आपका ही फायदा है। अगर हमारे पास पेट है, आप हमारे घर पे आ रहे हो, आप मिल रहे हो, तो ये आपके लिए ही फायदेमंद है। आप स्ट्रेस फ्री होंगे और आप भी पेट रख रहे हो तो आप खुश और स्ट्रेस फ्री रहोगे। और जैसे कि मिसेस बोल रहे, क्या बोल रहे थे, क्या मैं भूल गई, भूल गए, हाँ। अरे वही कह रहे, 5-10 लोगों को अगर अफेक्ट पड़ा, हाँ, अगर 5-10 लोगों को भी अगर ये चीज अफेक्ट किया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी सच में जी। तो अगले ब्लॉग तक, बाय बाय, गुड नाइट।